अभी बहुत जल्द ही माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है लिव इन रिलेशन का के मैटर में, कि अगर आदमी ऐसा कर रहा है अपनी पत्नी के अलावा, अपनी जीवित पत्नी के अलावा किसी दूसरे के साथ अगर रह रहा है तो वह बुरा नहीं है। एक तरफ आईपीसी में व्यवस्था बनी है 497 की, धारा 497 में स्पष्ट कहा गया है कि अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे के साथ हम नहीं रह सकते, पुरुष नहीं रह सकता। अगर रह रहा है तो उस अपराध उसमें 497-98 तमाम व्यवस्थाएं हैं कि वो दोषी है, अपराधी है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। मौर्या की जो पति है आलोक मौर्या, तो उनको अब किस तरीके से जो है कि न्याय मिलना भाई, वो तो न्याय का मिलना चाहिए। उसकी बीवी चली गई, अपना दूसरा शादी कर ले, दो बच्चे भी हैं, दो बच्चे हैं, बच्चों मत शादी करे। अगर इतना बड़ा भक्त है जैसे पत्नी के साथ भक्ति किया, दो बच्चों को का प्रवेश करी। रमेश दुबे के खिलाफ, ज्योति मौर्या के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, और आलोक मौर्या इन्हीं का नाम न लें, मनीष दुबे का भी नाम लें। सबसे बड़ा अपराधी तो मनीष दुबे हो गए, अपने पद का दुरुपयोग करके, एक छोटी जात के लड़की का उपयोग करके उन दोनों का जीवन। जानते हैं कि एसडीएम बनी ज्योति मौर्या, अब दूसरे के संग उसका पति जो है कि पकड़ा हुआ है, और उसका मामला पूरे भारत में ही चर्चित हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ वकील साहब हैं जो विशेषज्ञ हैं इसके बारे में, और परिवार कोर्ट में वकील हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इसमें क्या हो सकता है अगला कदम। जी आपका स्वागत। जहाँ तक मेरी बात है जी, सबसे पहले परिचय हो। एक मैं लाल बहादुर एडवोकेट, सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर। यह मामला पूरे देश में बड़ा चर्चा का विषय है। एक पति पत्नी के संबंध और परंपरा, मर्यादा, आदर्शों, मूल्यों, तमाम विषयों पे बड़े मंथन का समय आ गया है। यह विषय एक केवल हमको आज भारतीय समाज को इस पे विचार करने की अब घोर आवश्यकता है जी। कि महिलाओं को व्यक्ति का दर्जा न दे करके वस्तु का दर्जा दिया गया, और एक तरफ सदियों से लेके जब आज तक, जब ये हमारा, जब हम आज़ाद हुए हैं, आज़ाद होने के बाद से या आज़ाद होने के पहले जो समाज सुधारक हमारे देश में रहे, सब लोग महिलाओं को बड़ा तवज्जो देते हैं, लेकिन मंच तक देते हैं। एक आदमी अगर गलत काम करता है तो वह फैशन माना जाता है, और एक महिला या लड़की अगर कोई उससे गलती जाने अनजाने में हो जाती है तो उसको बहुत ही उछाला जाता है। अगर जैसे हम कि इस मामले को उठाया गया है, जैसे अब हम, चूंकि हमको अपनी गरिमा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, हम अधिवक्ता हैं तो न्याय दिलाने के लिए हम रजिस्टर्ड हैं। न्याय का भाव जो हो वह हमको बोलना चाहिए। न्याय का भाव, कानून का भाव क्या कहता है, विधायिका की क्या सोच है, विद्वानों की क्या सोच है, उनकी सोच को जनता में हमको फैलाना है। तो अब ये आते हैं हम इस बिंदु पे, ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या इन्हीं का नाम न लें, मनीष दुबे का भी नाम लें। सबसे बड़ा अपराधी तो मनीष दुबे हो गए, अपने पद का दुरुपयोग करके, एक छोटी जात के लड़की का उपयोग करके उन दोनों का जीवन नाश कर दिया। शासन प्रशासन, देश, मीडिया, पत्रकार, सारे लोगों का ध्यान आज तक मनीष दुबे पर नहीं जा रहा है। मनीष दुबे को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। मनीष दुबे के बारे में विचार करना चाहिए। सबसे, इन दोनों से ज़्यादा दोषी तो वो है, सबसे ज़्यादा दोषी है, लेकिन मनीष दुबे के बारे में आज तक कमेंट नाम मात्र आते हैं। मनीष दुबे के खिलाफ, ज्योति मौर्या के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
तो ज्योति मौर्या भी तो इस हिसाब से वो भी तो मतलब कि दोषी है। सही कह रहे हैं, लेकिन कानूनी नजरिया सामाजिक न्याय के भावना से कम परंपरा की भावना से आप ज़्यादा बोल रहे हैं, समाज ज़्यादा बोल रहा है। परंपरा के हिसाब से नहीं होना चाहिए, न्याय के भावना से होना चाहिए। मान लीजिए उसे गलती हो गई, उसने गलती कर दिया, अब इसी पे मैं अब कानून के तरफ ले जाता हूँ आपको, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विचार के तरफ जाता हूँ। अभी बहुत जल्द ही माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है लिव इन रिलेशन का के मैटर में, कि अगर आदमी ऐसा कर रहा है अपनी पत्नी के अलावा, अपनी जीवित पत्नी के अलावा किसी दूसरे के साथ अगर रह रहा है तो वह बुरा नहीं है। एक तरफ आईपीसी में व्यवस्था बनी है 497 की, धारा 497 में स्पष्ट कहा गया है कि अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे के साथ हम नहीं रह सकते, पुरुष नहीं रह सकता। अगर रह रहा है तो उस अपराध उसमें 497-98 तमाम व्यवस्थाएं हैं कि वो दोषी है, अपराधी है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, कोई महिला पीड़ित अपनी अर्जी लगा करके लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते टाटा फीस हो गया कि चलिए भाई ये तो कोई गलत बात नहीं है, वह रह सकता है, वह रह सकता है, उसका जीव वह उसको मौलिक अधिकार बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों के हित में। तो महिला भी, उनको भी एक तरफ आप जीव कहते हैं, एक तरफ उनको वस्तु नहीं मान करके व्यक्ति मानते हैं, उसका भी हक अधिकार है। अगर उससे जाने अनजाने में गलती हो ही गई है तो गलती कराया किसने? मनीष दुबे ने कराया। मनीष दुबे को क्यों नहीं आप अपराधी घोषित करते हैं? क्यों करते हैं? अगर आप निष्पक्ष सोचते हैं, समाज सोचता है, तो मनीष दुबे पर क्यों नहीं, क्यों नहीं कमेंट होता है? इसलिए कि वो बड़ी जाति का है, इसलिए कि वो पुरुष वर्ग का है। आप एक समान दृष्टिकोण अपनाएं, न्याय के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो ज्योति मौर्या से ज़्यादा दोषी हमारे नज़र में तो भाई मनीष दुबे आ रहे हैं। उसका कारण है कि पुरुष को जिम्मेवार माना जाता है, तो जो हमेशा ये भी तो परंपरा है कि पुरुष को ही जिम्मेवार माना जाता है, तो जिम्मेवार माना जाता है पुरुष को, तो इसलिए माना जाता है कि पुरुष ज़्यादा समाज में रहता है, इसको अच्छे बुरे इज्जत बेइज्जत का ज़्यादा जानकारी होती है। ज्योति मौर्या ये ऐसे पद पे थी कि हमेशा समाज में ही उसको रहना पड़ता। अरे पद पे थी, पद पे है, सब लोग पद पे हैं, तो महिला पुरुष भी तो एक पद है, इससे बड़ा पद क्या है? महिला को महिला के गरिमा के अंदर होना चाहिए, तो पुरुष को भी तो पुरुष की गरिमा के अंदर होना चाहिए, उसको तो ध्यान रखना चाहिए, और समाज को भी तो समाज की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मनीष दुबे के खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रहा? उसको नौकरी से क्यों नहीं हटाया जा रहा? मनीष दुबे को भी हटाया जाना चाहिए। ज्योति मौर्या को दोषी हैं, ज्योति मौर्या अगर दोषी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, मनीष के खिलाफ कार्रवाई हो। आप बताइए किसको ज़्यादा दोषी मानते हैं? किसको ज़्यादा दोषी मानते हम तो मानते हैं कि नहीं, जो सामाजिक संरचना में पक्षपात हो रहा है, हम पक्षपात को दोषी मानते हैं। यानी मनीष दुबे को आप मानते हैं? इसमें निष्पक्ष ढंग से दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इससे समाज में, सुनिए, इससे समाज में संदेश जाएगा कि महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई गलती कार्य न करे, सबका मान सम्मान है। तो अब इनका क्या नाम से कि ज्योति मौर्या और मनीष दुबे, ये लोग तो दोषी हैं, लेकिन आखिरकार इनके जो पति, यानी ज्योति मौर्या के जो पति हैं आलोक मौर्या, तो उनको अब किस तरीके से जो है कि न्याय मिलना चाहिए? भाई वो तो न्याय का मिलना चाहिए, उसकी बीवी चली गई, अपना दूसरा शादी कर ले, दो बच्चे भी हैं, दो बच्चे हैं, बच्चों मत शादी करे। अगर इतना बड़ा भक्त है, जैसे पत्नी के साथ भक्ति किया, दो बच्चों को का परवरिश करी ढंग से, वो दो बच्चों का परवरिश करे, जरूरत क्या है ऐसी जिंदगी जीने की? वो शादी भी ना करे तब तो जाने की नहीं, बड़ा धर्मात्मा है, शादी ना करे, दोनों बच्चों को लेकर के जी ले, और मनीष को, मनीष के खिलाफ FIR करावे। जितना ज्योति के खिलाफ करावे तो मनीष के भी खिलाफ करावे ना, मनीष दुबे के खिलाफ करावे। और आप ये जो चौथे स्तंभ आप गिने जाते हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा मनीष दुबे के भी खिलाफ बोलिए, बात रखिए, समाज का ध्यान उधर भी जाए कि उससे ज़्यादा दोषी वो है, वो बुलाता नहीं तो वो जाती कैसे?
व्यवस्था तो उसने किया ना, उसको क्या पड़ी थी, उसके बारे में भी सोचिए। जैसे ज्योति मौर्या के दो बच्चे हैं, आप पता करिए ना कि आलोक ये मनीष दुबे की क्या स्थिति है। मनीष दुबे के परिवार के बच्चों की महिलाओं के विचार जानने जानने के पीछे कोई जा ही नहीं रहा है। मैं तो बार बार कहूँगा कि ज्योति मौर्या से ज़्यादा दोषी जो है ये मनीष दुबे है। हर दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से कम समाज में समानता का भाव होना चाहिए, न्याय का भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, बंधुत्व का भाव होना चाहिए। ये सब हमारे देश से जो वास्तविक मूल्य हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा अब व्यवहारिक विचारिक रूप से हम लोग चलते हैं, जिससे कि लोग कह रहे हैं कि पहले ये जो चपरासी था, यानी आलोक मौर्या चपरासी था, और अब वो चपरासी का ड्यूटी करते हुए उसको बड़े मेहनत से उसको पढ़ाया, हर एक चीज़ पैसा वैसा हर सब चीज़ जो है कि लिया और लोन पे लेकर पढ़ाया और पढ़ा के कुछ उसके बाद जो है कि उसको SDM बना दिया। तो इस रूप में क्या उसको छोड़ना चाहिए? वह प्रेम करता था, प्रेम की परिभाषा में उसने उसको उसके साथ लगाव रहा। वह अगर उनका सम्मान में, उनके सुविधा में, अपने जीवन की सुविधा में अगर उसको पढ़ाया तो कौन सा गलती किया, कौन सा गलती किया? चपरा हम कह रहे हैं कि वो चपरासी रहा, सफाई कर्मी है, वो सफाई कर्मी से इतना काम किया, पढ़ा दिया, सफाई कर्मी बैठ करके तनख्वाह उतार रहे हैं, पूरे प्रदेश में देख ही रहे हैं। अगर वो मजदूरी करके रिक्शा चला करके ईंट भट्ठे पे काम करके अगर कुछ करके दिखाए तो जाने, हाजिरी बनाया ले लिया, वो दूसरा सवाल है। हाँ, उसके भावना भी प्रभावित हुई है, देश के लोगों को